अरे तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, चल मैं तुझे नाव चलाना सिखाता हूँ। हाँ ऐसे पकड़, ऐसे अंदर सीधा ले ले। हाँ बरोबर बरोबर, और अंदर। क्यों जीसू, ठीक चला रहा हूँ ना? हाँ बहुत अच्छे। मालूम है इस जगह का नाम क्या है? क्या है? मेरी रॉक। यहाँ मदर मेरी आई थी, फादर बोलते हैं। जीसू ये क्या हुआ, ये निकल नहीं रहा। अरे चप्पू अटक गया है। जीसू जीसू ये तो टूट गया। जीसू चप्पू तो टूट गया, अब मार पड़ेगी। अरे किसी ने हमें देखा ही नहीं तो मार कैसे पड़ेगी। चल हम लोग सीधा स्कूल भागते हैं। हम सच बोलता है, वो दोनों हमारा बोट चोरी करके ले गया और वापस ला दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चप्पू को भी तोड़ दिया है और हमको देखे फिर भागा। अब हम आपको पूछता है हमारा यहाँ जाना कौन देगा? जेसु देगा? अरे वो तो नाजायज है, कौन है उसका, कहाँ से लाएगा? तुम देगा है? पीटर देगा? पीटर का माँ देगा? कौन देगा हमारा हरजाना? कहाँ है वो? तू चुप रहना। हाँ ये साइमन है ना, बहुत बदमाश है, तेरा नाम लेकर तेरी माँ से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। मैं सब इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। मेरा कौन है, न माँ है न बाप है। यस फादर, मैंने कश्ती चुराई, मैं ही पीटर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था, मेरे हाथों से ही कश्ती को नुकसान हुआ है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पीटर का कोई कसूर नहीं। रास्कल, तेरी रोज रोज कंप्लेंट आती है, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रहा है। ये अच्छे खानदान का बच्चा है, इसको भी अपनी संगत से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे दूसरों के औलाद को क्यों बर्बाद करना चाहता है तू? तेरा तो कोई नहीं है, चर्च की सीढ़ियों से उठा कर लाया था तुझे। पता नहीं तू किसकी नजायज औलाद है, जो इतना समझाने पर इतने प्यार से पालने पर भी सुधरता नहीं। तू नजायज है और नजायज ही रहेगा। चल निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, तू यहाँ नहीं रहेगा, स्कूल से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। गेट आउट। अब तो खुश हुए ना, अब चले जाइए, निकल जाइए। जीसू कहाँ जा रहे तू? जीसू रुक जा, रुक जा। जीसू, जीसू कहाँ जा रहे हैं? रुक जा, जीसू मेरी बात तो सुन। जीसू रुक जा, जीसू, जीसू मुझे बचाओ, बचाओ जीसू, बचाओ, जीसू बचाओ। पीटर, जीसू मुझे बचाओ। पीटर तू डर मत, मैं आ रहा हूँ। अरे हटो पीटर, जीसू, जीसू। आजा बेटा, आजा, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। आजा बेटा, धीरे धीरे संभाल के। पीटर तू सही जगह में बेटा, भैया के साथ है। आजा धीरे धीरे बेटा, वो पकड़ ले। आजा शाबाश, आजा बेटा, आजा आजा। हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, आजा शाबाश बेटा, आ आजा बेटा, आजा आजा आजा, शाबाश मेरे लाल, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाई। हाँ मेरे बेटे की तूने जान बचाई। लॉर्ड, लॉर्ड तुझे हमेशा सुखी रखेगा, हमेशा सुखी रखेगा बेटे। आज से मेरे दो बेटे हुए, एक पीटर और एक तू। मैं सो मत बोल माँ, मैं तो नाचा सू हरामी हूँ, मुझे बेटा मत बोल। कौन कहता है कि तू हरामी है, नाजायज है? जो कहता है वो खुद नाजायज और हरामी है। मेरे सामने जरा आए तो मैं उसका मुंह रोच लूंगी। आज से तू मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा, और मैं तेरी माँ हुई, मैं तेरी माँ हुई। Ha 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 ha!
जैसे बेटे, अब मुझे पीटर की कोई चिंता नहीं। तेरे रहते हुए मेरे पीटर को कोई खरोच भी नहीं लगा सकता। पीटर, हाँ माँ, ये ले बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना। समझना कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा। पीटर, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जसू, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। नहीं माँ। ओ लॉर्ड, पीटर, पीटर, माँ तो बोलती क्यों नहीं? अरे अरे जाने दे बेटा, जाने दे। ये लोग इसके रिश्तेदार अंकल हैं, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। तू अभी छोटा है, तुझे खुशी नहीं होगी कि तेरा पीटर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए? भैया पीटर, शहर जाकर अपने भाई को भूल तो नहीं जाएगा ना? नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं जरूर आऊंगा। भैया, किधर भाग रहा था रे? अरे काहे को भागेगा? कितने पकड़ी? अरे मैंने नहीं पकड़ी, इसने पकड़ी। अरे बाप रे, ये कोर्ट में क्या छिपाया? लौकी है, लौकी। जरा देखूं? देखो ना। ये क्या बे? बताता हूं। ये दरअसल है ना, इसको ठंडी लग रही थी तो गर्म करने के लिए कोई यहाँ अंदर रखा। कल सुबह छोड़ दूंगा, फिर तने लगेगी। तू साला झूठ बो। ए बुढ़िया, नीचे रख टोकरी। नहीं रे बाबा, आज न करे, थोड़ा ही है, मेरा बच्चा लोग भूखा है। टोकरी नीचे रख। नहीं रे, आज नहीं देगा। देख, एक हाथ मारूंगा वही मर जाएगी। मरने दे, पर आज मैं तेरे को मछली नहीं दूंगी। जा, तेरे अल्फोंसो को जाके कह दे कि गंगूबाई मछली नहीं देती। तेरी तो बहुत बोलने लगी है। जसू, ये क्या कर रहा है? ये ले माँ, आज के बाद तुझे कोई नहीं रोकेगा। जा। God bless you, जसू बेटा, God bless you। साइमन, अल्फांसो से कह देना कि आज के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा, और ये भी कह देना कि जेसू ने कहा है। Thank you.
ये मुझसे चप्पू छीनता था। जेसू इसका चप्पू घुमा के अल्फू बना दे। क्यों साहब, दोबारा इस तरफ आया तो दांत तो क्या खाने के लिए हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। चल डाल दो साले को अंदर। चल तेरी तो बंद कर। चल। हाँ। रामलाल, इन कुत्तों को अल्फांसो की रसोई तक छोड़ के आना और कह देना कि खुद खा के मोटा हो रहा है, एक आध हड्डी इनको भी दे दिया करे चूसने के लिए। चढ़ जाओ ऊपर। सात आदमी मिलकर एक को मारे, ये तो सुना था, लेकिन एक आदमी सात को मारे ये तो कभी नहीं सुना, न कभी देखा। क्यों टोने, तूने कभी देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा। और वो भी मारा किसने? एक गंदी नाली के गंदे कीड़े ने, जेसू ने। मेरे बरसों के बनाए हुए उसूलों को मिट्टी में मिलाकर, और अब मुझे ये मनोज खबर सुनाने के लिए आए हैं। रविन बेटा, बताए इन लोगों को जिंदा रहने का हक है या नहीं? रविन, तुझे बोटी नहीं मिली बेटा, मुझे भी कुछ नहीं मिला। देखना, मछलियां तो गांव वालों ने रख ली, ये भद्दे मेंढक मुझे भेज दिए। रॉबिन बेटा, तू खून पिएगा बेटा? हाँ, तू खून पिएगा। हाँ, बबर, जाओ और बस्ती वालों में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी कश्ती दरिया में हमारे हुक्म के बगैर नहीं उतरेगी। इस गांव का हर घर, हर आदमी हमारा कर्जदार है, और अगर किसी ने कश्ती पानी में उतारने की कोशिश की तो कश्ती समेत उसे पानी में डुबो दिया जाएगा, समझे? Oh,
के राख कर दो साला को। छोड़ गई। ए रोजी, क्या बोल दिया तू? ए ज्यादा बकबक मत कर, चल निकल बाहर यहाँ से। ये ले अपनी चोटी और ये ले अपना साहब ज्यादा। रोजी मोती काला मोती जानी, जानी, ओ नहीं बेटा, आप सुपोज़ ले, ये देख मोती, अभी हमारा करीब ही खत्म, अमीर ही अमीर, माले माल मिलेगा, तू एक रख ले बेटा, कुछ बोलना नहीं, संभाल कर ला, संभाल के, रोजी, रोजी, मत खोल दरवाजा, मत खोल, बाद में तुझे जब पता चलेगा तो मेरे पैर छुएगी तू। अब हमको जाना चाहिए हमको, मोती काला मोती।
अरे किधर है अपना अल्फांसो से? अरे वाह मस्त है, बैठ के देखता हूँ। कहो क्या बात है? चिल्लाना नहीं, अस्ते अस्ते इधर इधर आओ, ये देखो क्या लाया हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसे चीज थोड़े मिलता, गॉड ने मेरे को दिया। जल्दी बता कहाँ से मार के लाया है बे? सेट मार के नहीं लाया सेट, गॉड कसम। ए मैं गॉड गॉड को नहीं मानता। पन मैं तो मानता हूँ ना। चल बता। कला तो छोड़ो फिर बताता हूँ ना। बोल। रोज का वहाँ पे एक जोड़ा पी के मैं मच्छी पकड़ने जा रहा था, वो टेकस पे मुझे उतार दिया। आपको मालूम है जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, आपको ने तो देखा ही होगा, आपको मालूम होगा, वहाँ मदर मेरी बैठ के रो रही थी और उनका आंसू पानी में गिरा, मोती बन गया और मैं वही मोती लेके आ रहा हूँ। आज से साफ साफ पाप तो नहीं होगा? नहीं 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 कोई पाप नहीं लगेगा। वो जगह मुझे बता सकते हो तुम? हाँ हाँ जरूर दिखाएंगे साहब, जरूर दिखाएंगे, क्यों नहीं। अल्फांसो से यही वो जगह है जहाँ पे मोती ही मोती है, मोती ही मोती। हाँ रहता हूँ। रंजीत। या कहाँ जा रही हो मेरी रानी? अपनी खैर चाहते हो ना तो मेरा रास्ता छोड़ दो, जीसु भैया को पता चला तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हारे जीसु भैया की तो ऐसी की तैसी साली। छोड़, छोड़ मुझे। कहती है, छोड़। अब कहती है, छोड़। छोड़। नहीं। देखो। नहीं। हो जा। ना 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 चिल्लो बंद। प्यार से कौन बचाएगा तेरे को? आपका कोट बाबूजी। रहने दीजिए, फिर कभी ले लूंगा। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा बाबूजी? नया आया हूँ ना इसलिए। अच्छा चलता हूँ। अंदर आइए ना बाबूजी। फिर कभी। हम गरीब हैं इसलिए बाबूजी। अरे अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दिखाइए ना बाबूजी, दिखाइए। कुछ नहीं मामूली सी चोट है। अंदर आइए बाबूजी, अंदर आइए, आपको हमारी कसम बाबूजी, अंदर आइए। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अंदर आइए बाबूजी। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा परेशान हो रही हैं। चोट क्या रे? मैंने कहा मामूली सी चोट है और कुछ नहीं। हे भगवान कहाँ रख दी, यही तो थी। हाँ।
फिलिप्स की लाश। फिलिप्स की लाश? चुप। रो रो के जानी का बुरा हाल था। जाने वो कैसे नशे की हालत में पहाड़ी से फिसल कर समुद्र में जा गिरा। फिलिप्स की पहली बीवी बहुत अच्छी थी, कितना ख्याल रखती थी दोनों का। अजीब कलयुग आ गया है भाई। हाँ भाई, फिलिप्स की नई बीवी रोजी की बेरुखी देखकर तो लोग वहाँ हैरान थे। अरे भाई, उसकी आंखों में तो आंसू का एक कतरा भी नहीं था, वो तो जैसे फिलिप के मरने का ही इंतजार कर रही थी। ये क्या माँ, तुम फिर कहीं जा रही हो? आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। खबरदार, यहाँ से हिला तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है। अरे हट। क्या हो रही है, क्यों बंद कर रखा उसे? कहाँ जा रही है तू? कहीं भी जाऊं, तुझे इससे क्या? अंकल, ये रात रात भर बाहर रहती है, मुझे डर लगता है। छी 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 छी। उस बेचारे को मरे 4 दिन नहीं हुए और तू बंधन के बाहर जा रही है? कैसी माँ है, क्यों जुल्म कर रही है इसमें? बस बस, बहुत हो चुका। थोकट का प्याज जाता ना सबको आता है, तुझे पालना पड़े ना तब आटे दाल का भाव मालूम हो। ज्यादा बक बक नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। जेसु अंकल, अरे ओए, जोश में आके लेके तो जा रहा है इस पिल्ले को, कल सुबह वापस मत पटक जाना। इसे पिल्ला कहकर तूने अपनी जात बता दी रोजी, तू इसका दर्द क्या समझेगी? तू क्या समझेगी? मैं जानता हूं माँ के प्यार के बगैर बच्चा कैसे जीता है, लेकिन माँ कसम मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखूंगा। इसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा इसकी मां नहीं है। चंडाल। ओ माय गॉड, ब्लैक पर्ल, काला मोती, ये तुमको किधर से मिला? मेरे रॉक का इलाका ऐसे मोतियों से भरा पड़ा है, इसी के डील के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अल्फोंसो, तुमको इसका कीमत मालूम? ये एक मोती डायमंड से ज्यादा कॉस्टली है। तुम अपने आदमी से जाकर कह दो कि समुंदर की तह में जाकर मोती निकालना शुरू कर दे, और तुम इन्हें वर्ल्ड मार्केट में बेचते जाओ, आधा तुम्हारा आधा मेरा। डन। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? ये इलीगल है, अगर कानूनी गवर्नमेंट का रूल है कि जहां डायमंड मिलेगा समुंदर के अंदर मोती मिलेगा, नोबडी कैन टच इट, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ मेरी हुकूमत है, मेरा कानून चलता है। वेरी गुड, हम एक एक मोती चेक करता जाएगा, उसको वर्ल्ड मार्केट में बेचता जाएगा, और जब तक काम खत्म नहीं होगा तुम वहीं रहोगे पानी के बीच, वहां से बाहर नहीं आओगे। व्हाट? किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम लोग यहाँ आए हो। अल्फोंसो, तुमको हमारा वीकनेस मालूम है, हम विमन और वाइन के बगैर नहीं रह सकता। उसका इंतजाम भी वहीं कर दिया जाएगा। उधर? हाँ, नमूना देखना है तुम्हें। Thank you.
माँ मैं कैसा लगता हूँ माँ? अपना मुन्ना लाया मेरे लिए, उसके पास नाबाब तो था नहीं पर एकदम बरोबर लाया है, थोड़ा पतलून टाइट है माँ, बैठते डर लगता है कहीं फट ना जाए। माँ आज अपने मुन्ना की शादी है। हाँ तेरी बहू एकदम मेम जैसी है, बहुत खूबसूरत है माँ, और मुन्ना भी खुशी से लाल लाल हो रहा है, एकदम अंग्रेज लगता है। May your fullest blessings come upon her and her husband, so that they may together rejoice your gift of married love. आज तो अपनी आंखों से अपनी बहू को देखती तो कितना अच्छा होता माँ, मुन्ना कितना खुश होता माँ। देख ये मुन्ना तेरे लिए शॉल लाया है, देख कितनी अच्छी शॉल लाया तेरे लिए माँ, तू ये ओढ़कर सो जा, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर लूंगा। मुन्ना ने मुझे वो बेस्ट मैन बनाया है माँ, अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। जेसू जल्दी आओ माँ, वो लोग मुझे बुला रहे हैं माँ, शादी की सेरेमनी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें आके सब स्टोरी सुनाऊंगा, चलता हूँ। Now I pronounce you man and wife. Are you the best man? Best? नहीं। तुम ही हो best man दूल्हे की तरफ से। हाँ दूल्हे की तरफ से तो मैं ही हूँ। तो चलो रस्म पूरी करो। रस्म? कैसी रस्म पूरी करनी? अरे भाई दुल्हन को किस करो। हाँ किस? नहीं। चलो जल्दी करो। फादर मैं किस नहीं कर सकता। अरे बुद्धू जब तक तू ब्राइड को किस नहीं करेगा रस्म पूरी नहीं होगी, चल। तो बेस्ट मैन बनाने के लिए मैं ही मिला था। सुनो भाइयों, एक घूंट के साथ मेरे भाई और भाभी के लिए 1000 दुआ करो कि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चेयर्स चेयर्स। इधर आओ, इधर आओ, मेरे गिलास में से एक सिप लो। लो। अरे ए ए ए ए ए ए ए ए घूंट कहीं तो सारा गिलास खींच गया। सब बहुत खराब है तू। खुश रहो। पीटर। ए दोस्त एक गुड अपन का ग्लास अपन। अच्छा नहीं यार आज का दिन नहीं तो फिर कभी। ओके ओके सॉरी नहीं बस और नहीं बस बस। सूजी अब भी से संभाल लो इसे वरना हमारी तरह सारी जिंदगी पछताती रहोगी। सुहागरात का मजा भी चला जाएगा अगर ये धुत हो गया तो। बस बस। ए, ए, क्यों क्यों पिला रहे हो? अरे आज उसका वेडिंग नाइट है, टाइट कर दोगे उसको? अडो अडो रास्ता आ जा यार। अडो सूजी इधर रहेगा तो पीता जाएगा तो फिर आउट हो जाएगा। तू जा बाहर जा, तू ले आओ जा, ले जा इसको। चल अरे चलो चलो शाबाश। Wish you okay. All the best. Close the door and enjoy. और तुम इधर क्या जा रही हो? चलो इधर उधर चलो। मेरा गिलास। Thank you.
जाओ जाओ ना, जाओ ना। ए, अरे, डोंट गो, प्लीज डोंट गो।
लगा जा, पिया आना है तो आ, मुझे गले से लगा। आ, 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 ना मैं नहीं आऊंगी, मैं दूर चली हाँ जाऊंगी तेरे हाथ कभी ना आऊंगी, तेरे दिल को जलाऊंगी, तुझको तरसाऊंगी। अच्छा आती हूँ मैं सयाली पकड़ मोरी भैया जा, मैं नहीं आऊंगी, मैं दूर चली हाँ जाऊंगी तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। हवलदार आया हुजूर। ये क्या है? हुजूर मूली है, घर से निकलते वक्त बीवी ने हाथ में थमा दी। उल्लू के पट्टे में मूली की बात नहीं कर रहा, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ लफड़ा हुआ है हुजूर। क्या हुआ है? मतलब दंगा फसाद, सब रिपोर्ट करने जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन तो ये है, रिपोर्ट करने कहाँ जा रहे हैं? हुजूर गांव में कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करता, अगर किसी को रिपोर्ट करनी होती है तो अल्फोंसो से करता है। अच्छा अल्फोंसो से? जी हाँ, यहाँ हमेशा से यही होता आ रहा है। What's her name? Susie De Silva. Height? 5 feet 7 inches. Complexion? Very fair. Did she know any swimming? Yes. Very well. In fact, she is a university champion. Hmm? Woh tairna janti thi? अजीब बात है, कहीं कहीं रघुवीर की बात सच ना हो। यू मीन सूजी अब जिंदा नहीं है? नहीं नहीं, दिल छोटा मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी से तहकीकात शुरू कर देता हूं। और जब तक छानबीन पूरी ना हो जाए कोई भी कश्ती लेकर समुद्र में ना जाए। ओके पीटर, दिल छोटा मत कर पीटर, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मामला गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है, ये खान साहब है ना, ये सूजी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हेलो हेलो हेलो, ऑपरेशन डॉल्फिन। यस महेश रिपोर्टिंग सर, बिल्कुल ठीक सर, छानबीन जारी है सर। इस इलाके में कायदे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं सर, इस इलाके का हर आदमी अल्फांसो का गुलाम लगता है सर। जब भी कोई हादसा होता है ये लोग पुलिस स्टेशन न जाकर इसकी शिकायत अल्फांसो के पास जाके करते हैं। इंस्पेक्टर खान को कोई पूछता ही नहीं सर, और पुलिस स्टेशन में भी कुछ कामकाज नहीं होता सर। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है सर। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बाबू
बाबू जी। अरे ज्योति, हमें आने में बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं तो फिर इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? जरा ऐसे ही काम में उलझा था। बाबू जी, आपको कभी कोई काम करते तो देखा नहीं हमने। देखो ज्योति, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। वही तो जानना चाहते हैं हम। जानकर क्या करोगी, जब भी बुलाती हो चला आता हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? बाबूजी, आपने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब भी पूछते हो बस टाल जाते हो। प्यार में एक दूसरे पर भरोसा ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबूजी, प्यार में एक दूसरे से कुछ छुपाया भी तो नहीं जाता। वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझ पर एतबार है ना? बेहद। कितना? इतना? इतना? साहब, चलो मेरे साथ चलो। साहब, मैं शाह को नहीं छोड़ूंगा। जेसु, वो जेसु, मेरी बात सुनो। मैंने शाह को देखा है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। आप बंदूक उठाइए, मेरे साथ चलिए। वो मेरे पीटर को खा गई। डोंट, चलिए रिलैक्स, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, देखो अब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन अब मानेंगे। बैठो। हाँ? मैं अपने ऑफिसर को खबर करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुमने अपनी आंखों से उस खूनी शार को, पीटर को निकलते हुए देखा है। इस वक्त से मैं इन गांव वालों को समुद्र में जाने से रोक सकता हूँ, वरना किसी और की भी जान जा सकती है। समझे जेसु? तुम यहाँ बैठे टिक टिक करते रहोगे और वो शार तुम्हारा इंतजार करेगी? जेसु, नाम मत लो मेरा। तुमने क्या खोया है? खोया तो मैंने है, मुन्ना तो मेरा मरा है। तुम्हें क्यों दर्द होने लगा उसकी मौत का? क्या लगता था तुम्हारा? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जेसु सुनो तो, हवलदार जेसु, जेसु रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो हाथ में हाथ रख के, रहो अपने थाने में। अब मुझे बंदूक भी नहीं चाहिए, मैं शाह को मारने के लिए अपने हथियार खुद बनाऊंगा। लेकिन मां कसम, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं शाह को मार के रहूंगा। वक्त बढ़ने पर ऊपर वाले ने मदद नहीं की, तू क्या मदद करेगा मेरी? ये दुनिया वाले मेरी क्या मदद करेंगे? मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। थाने में बंद करके रखना अपने आप को, खा जाएगी वो शाक, एक एक करके सबको खा जाएगी, सारे गांव को खाएगी वो। यस, आप मीटिंग में आए नहीं अभी तक? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? और कहा, अल्फांसो के घर। अल्फांसो? दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने एक राय होकर मेरे इस प्लान को मंजूर कर लिया है। सर, जब आप इतना महान काम कर रहे हैं तो किसी को इनकार या इतराज कैसे हो सकता है? थैंक यू। लेकिन सर, गवर्नमेंट से इजाजत लिए बगैर आप इतना। सुनिए साहब, इस दुनिया की अदालत से ऊंची अदालत एक और भी है। जब उस अदालत ने इजाजत दे दी और हम, मेरा ख्याल है आज की मीटिंग अब बर्खास्त कर दी जाए। आइए आइए खान साहब, आइए।
बहुत देर कर दिया आपने आने में, मीटिंग तो अब खत्म हो चुकी है। ये लीजिए जरा, इस पर दस्तखत कर दीजिए। आप ये पढ़िए। ये क्या है? आज के एक्सीडेंट की रिपोर्ट। आज क्या हुआ? आज आज दूसरी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, शार्क पीटर को खा गई। खामोश बैठिए। आपके पास क्या सबूत है कि शार्क ने उसे मार डाला? मेरे पास सबूत है मिस्टर अल्फेंसो, जिसने अपनी आंखों से पीटर की मौत देखी। कौन है वो? जेसु। इसलिए मैं ये रिपोर्ट की कॉपी आपके पास लाया हूं, ताकि आप गांव वालों को मना कर दीजिएगा कि जब तक हेड ऑफिस से मदद नहीं आ जाती और शार्क का खात्मा नहीं हो जाता, कोई समुद्र में नहीं उतरेगा। गांव वालों को मेरी रॉक से दूर रखने का एक अच्छा रास्ता मिल गया है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? खान साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। आप शहर को खत्म करना चाहते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा? जी जी, पूजा। तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि लोग किनारे पर बैठकर पूजा पाठ करें, अ काइंड ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनी। उसे सागर देवता भी शांत हो जाएंगे और शार्क हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी। ओके, आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कोई शख्स पानी में नहीं उतरेगा। जी, मैं वादा करता हूं कि कोई भी शख्स पानी में नहीं उतरेगा सिवाय मेरे। आप? हाँ, मैं। मदर मेरी मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरे रॉक पर एक चर्च बनाओ, और जब तक इस चर्च का काम मुकम्मल नहीं होता मुझे तो पानी में आना जाना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे रास्ते में कानून के कांटे मत बिछाइए। मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं इस बात की कदर करता हूँ कि आप जैसा होनहार ईमानदार अफसर हम लोगों के बीच है। भाइयों, ये एक ऐसे महान हस्ती है जिन्होंने एक ऐसी औरत का हाथ थामा जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। इनकी पत्नी ने अपने ही चाचा का कत्ल किया था, लेकिन इन्होंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अपने उसूलों के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन, समाज की, अपने ओहदे की, अपने फीतों तक की परवाह नहीं की, और नतीजा ये निकला कि इन्हें इस छोटे से गांव में ट्रांसफर कर दिया गया। आप मेरे बारे में इतनी खबर कैसे रखते हैं? आप हमारी खबर रखने के लिए इस गांव में आए हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। खैर, मैं चलता हूं। पोस्टमास्टर। जी हुजूर। आज के बाद कोई भी सरकारी चिट्ठी हमारी नजरों से गुजरे बगैर न इस गांव में आएगी और न ही इस गांव से जाएगी। जी हुजूर, बिल्कुल ठीक। जेसु, इन हथियारों को बनाने से कोई फायदा नहीं, क्यों खामखा मेहनत कर रहे हो? तू क्या देख रहा है रे? आग तेज कर। जेसु, गांव के लोग शार्क को सागर देवता मानकर उसे खुश करने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी ने मिलकर मीटिंग में फैसला किया है कि आज के बाद समुद्र में कोई नहीं उतरेगा। समुद्र में नहीं उतरेंगे, उनके बाप का क्या गया है? क्यों जिद कर रहे हो? गांव वाले तुम्हें पानी में जाने नहीं देंगे, और मैं भी जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं कूदने दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, और अब जीऊंगा भी किसके लिए? मेरा मुन्ना नहीं रहा, गांव वालों का क्या गया है? करने दो गांव वालों को जो कुछ करना है, मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना इन गांव वालों की। मुझे जो कुछ करना है मैं करके रहूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे।
कानून। सुन लिया ना? हाँ हाँ सुन लिया। कानून, मुझे किसी कानून की परवाह नहीं। ओम तत्सत ब्रह्मोदित्य प्रादेशिक द्वारा कल्पे जम्बूदीपे वर्तखंडे आर्यावर्त गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन्। ऊपर तो आओ। अल्फांसो साहब, इकास्टा साहब, गले हो जाएगा टिकोस्टा। अगर दूसरे स्कूबा डाइवर्स को इसकी भनक भी पड़ गई कि समुद्र में शार्क है, तो कोई भी समुद्र में नहीं उतरेगा। अल्फांसो, बेटर किल हिम, मार डालो इसे। अब क्या होगा? सोचता है कुछ। इसको यही खत्म करके इसके लाश को समुद्र में डुबो देते हैं। टिकोस्टा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। Thank you.
राम कृष्ण, हमारे इलाके के दुश्मन और इनसे डरने की जरूरत नहीं। ये अल्फांसो के कुत्ते अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। देखो तुम जहाँ जाना चाहती हो चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। मेरे मेरे चाचा चाची मुझे बेचना चाहते हैं। आज धोखे से मुझे एक ग्राहक के साथ भेज दिया था। सोचा चलते की गाड़ी से कूद कर मैं जान दे दूंगी, लेकिन मरी नहीं। हौसला रखो, जब तक तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं हो जाता, तुम चाहो तो मेरे साथ घर में रह सकते हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। भरोसा रखो मुझे, आओ आ जाओ। अरे जसू के घर में ना जाने गोरी चिट्टी कहाँ से टपक पड़ी है। शहर की लगती है वो, कोई सगे वाली होगी। हो सकता है। अरे जसू और उसके सगे वाली, कहीं वो भगा कर तो नहीं लाया है। अरे दोनों एक छत के नीचे सोते हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जाना, जाके करवा देना उन दोनों की शादी। बदमाश हलकट, माँ के सामने रो रो के बोलता था मेरा दिल साफ है, मेरे मन में कोई खोट नहीं। यहाँ आके बोलता है जॉनी के साथ सो जा। जॉनी को जाकर देख तो ले, जॉनी से घबराती है। अरे मुर्दे, मैंने सबको देख लिया है, जॉनी की ऐसी की तैसी और तेरी भी। ए, मेरे बाबा को गाली क्यों देती है, छुट्टी कर दूंगा तेरी। तू कौन है रे इसका चमचा फिराने वाला। जॉनी मेरा नाम होगा। जॉनी वानी क्या? जॉनी। ओह जाओ सो जाओ ना, अभी मैं। माफ करना यार, खाली पीली तेरे को गाली दिया। खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अल्फांसो और डेकोस्टा ने कानून और सरकार की नजरों में धूल झोंक कर कम से कम 1,000 करोड़ रुपए के मोती मार्केट में बेचे और सारा माल खुद जब कर गए। काम तो हम लोग करें, आप लोग करें और गुलछर्रे बोल रहे हैं, क्या ये ठीक है? नहीं। आज हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे कि उन दोनों में फूट पड़ गई है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कंट्रीज में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर 2,000 करोड़ के मोती बेचने वाले हैं। और ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी बॉस हैं, आप भी बॉस हैं, आप भी बॉस हैं। जोर छुई मुई, ओ छुई मुई, छुई मुई, ओ छुई मुई।
बास्टर्ड। कौन है मैं तो? बोल, बोल कौन है तो? कौन है तो? बोल। बंदूक साले को। चला रोटी ला, चला रोटी ला, जल्दी जल्दी बन जाएगी तो दूंगी, दिखता नहीं साली गीली लकड़ी। अरे ये बंठन के कहां गई थी? चर्च। क्यों? शादी बनाने को, मरने को। छी, आज फिर अपन की इज्जत का कचरा हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार ब्राइड बनके मैं फादर के सामने जा खड़ी हुई। कितना वेट किया, ओह, वेट करते करते साली गर्दन दुखने लग गई। पर दुल्हा वो कहां? वो तो निक्कर पहन के मच्छी के पीछे घुसा हुआ है। मैं पूछती हूँ, अगर आना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? मैं औरत जात, कितना इंसल्ट हो गया मेरा, सोचा कभी? सच्ची। देख देख, ये रति भर का छोकरा, इसको अकल है पर तेरे को नहीं। ओह लॉर्ड, इसे सांड जैसा जिस्म दिया, पर थोड़ा सा अकल भी दिया होता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? फादर बोला पाप लगेगा बिना शादी किए एक छत के नीचे रहने से, पर ये है कि तू खा, खा तू रोटी, तू खा ले, तुम दोनों खाओ और चबाओ अकल। जब खाने की बात आती है शादी की बात लेके बैठ जाती है। खाना खाना ही नहीं और ना ही शादी करनी है। मैं जाता हूँ, शादी कर लो, रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी, शादी भी खत्म। अरे देख देख, फिर भूखा प्यासा निकल जाएगा। जा बेटा जा। ए, किधर जा रहे हैं? पानी में नहीं, इधर। चलो बाबा, माँ बोली खाना बन गया। मुझे खाना नहीं खाना। फिर तुम क्या खाओगे? क्या खाऊंगा? ये देख इधर, बम्प कटर भोंका। क्या? बम्प कटर भोंका, कांदे का भरता, बेड़े का झोंका, लेगा थोड़ा, लेगा जा थोड़ा माँ के लिए ले जा। अच्छा ये बात है, अभी माँ को बताता हूँ। अबे जा, अबे माँ का चमचा, माँ को बताता हूँ साला, बटाटा फोड़ दूंगा तेरा। शादी के बाद कोई काम ही नहीं, शादी कर लो, लाल साड़ी पहन के बैठी है, शाक ये मारेगी। माँ, 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 उधर तो बाटली खुल गई। क्या बाटली खुल गई? मैं यहाँ चूल्हा फूंकू और वो वहां? चलो मेरे साथ। Thank you.
है अकेली ए, मैं भी हूँ अकेला, रात भी रंगीली है साथ भी रंगीला। ए तू भी है अकेली ए, मैं भी हूँ अकेला, रात भी रंगीली है साथ भी रंगीला।
सॉलिड है क्या? क्या? मैं तुझे ठीक करता हूँ, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा घर से निकली तो। हाँ, अरे अरे, लाल साड़ी पहन के गैरों के सामने ठुमकती फिर से। नीचे उतारो, अरे संभागी, नीचे उतार दो मुझे। क्या भजन है, अब देखता हूँ तू बाहर कैसे जाती है। क्या समझते हो? चुप, जबान खींच लो, बड़े आई है, ये भूख के मारे जान निकली जा रही है, इसको कोई फिक्र ही नहीं। वो बेचारा जॉनी अगर मुझे नहीं बोलता तो मुझे क्या पता चलता गैरों के सामने नाचती फिरती है। तू भी तो गैर है, तू कौन सा अपना है? मैं गैर हूँ? मैंने तेरी जान बचाई, तेरी इज्जत बचाई, तुझे इस घर में ला के रखा, मैं गैर हूँ तेरे लिए? बकवास करती है, चल रोनिका, बहुत लंबी जवान हो गई तेरी। बक 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 बक, जब देखो बक बक। इज्जत बचाने से थोड़ी अपना हो जाता है, अपना होता है आदमी शादी करने से। हैं? मैं तेरे से शादी कर लूं? अरे मैं सारे दिन समुद्र में मारा मारा फिरता हूँ देवा मांस के पीछे, किस दिन मुझे खा गई तो क्या लोग तुझे बेवा कहें? मालूम है ये सब तेरा बहाना है, तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गाँव के आते जाते लोग मुझे ताना मारे और मुझे तेरे रखील बोले। उठ, उठ और दफा हो जा यहां से, चल। भेजा सूख गया तेरी बातें सुनते सुनते, हद होती किसी चीज की, कोई बात है? बक 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 बक, खाना खाने को नहीं मिलता, हर वक्त कहती रहती है। चल अब निकल जा, बाहर जाके मर, अब तुझे कोई रखेल नहीं बोलेगा मेरी, चल। चल माँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकता, चल। चल। ए, ए जॉनी, तू कहाँ जा रहा है? माँ के साथ। तू मेरे को छोड़ के जा रहा है? हाँ, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, तुम रह सकते हो क्या? रोज रात माँ की कब्र पे जाके सो जाते हो, मुझे ही उठा कर लाना पड़ता है। जॉनी, जॉनी, मैं तेरा क्या लगता हूँ? बोल। बाबा, लेकिन ये तेरी कौन लगती है पता है? नहीं पता ना? चलो अंदर, चलो चुपचाप बैठ जाओ और बैठ के खाना खाओ, पेट में कुछ जाएगा तो भेजा काम करेगा, ये रोज रोज का बंकस नहीं चाहिए। मैं तुम्हें रात भर का टाइम देता हूँ, रात भर सोचो और सुबह मुझे बताओ कि ये तुम्हारी कौन लगती है, मैं बोट में सोने जा रहा हूँ। फादर को तो टाल दिया, अब इसको क्या जवाब दोगे? पहले खाना खा लो, बाद में सोचेंगे। मोना, मेरी माँ चली गई, हमारा मुन्ना भी चला गया, अब बड़ी मुश्किल से घर बसा है, तो तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। ये कश्ती यहां क्यों रोक दी? अच्छा तो यहां पानी गहरा कितना है? जेसु, अगर बैठना है तो चुपचाप बैठ, मेरा दिमाग मत चाट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि इतने बड़े समंदर में शार्क होगी तो यहीं कहीं होगी? बहुत रोका जी, इतना भी नहीं जानते? पानी के अंदर खून की एक बूंद शार्क मीलों दूर से सूंघ लेती है। जेसु, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि पीटर तुम्हारा कौन लगता था? क्या लगता था मेरा? ये वर्दी पहनकर ऐसी बातें मत करो खान,
तुम्हारा कोई भाई है? तुम्हारी कोई माँ है, कोई बहन है? पीटर मेरे लिए सब कुछ था, वरना हम जैसे लोग जिसके न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, दुनिया वाले जिसे हरामी कहते हैं, पीटर की माँ ने मुझे अपना बेटा कहा था, मुझे अपने सीने से लगाया था। इतना भरोसा था पीटर की माँ को मुझ पर कि मैं अपने जीते जी पीटर पर खरोंच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन आज आज देखते देखते पीटर का खून बह गया, शार्क उसे खा गई, मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। बस वो आदमी भाग गया, उसके जेब से ये कार्ड निकला। बस वो हमारे कब्जे से भाग गया है। हट हट हराम ज़दा, एक आदमी पर नजर नहीं रख सकते तुम लोग, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। महेश कुमार सीबीआई ऑफिसर, मेरा शक ठीक ही निकला। हेलो हेलो बॉस, आप आ गए हैं? नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब ये नहीं था। डिकोस्टर साहब भी? अच्छा अच्छा बॉस, एक बहुत बुरी खबर है, हमने एक आदमी को पकड़ा था, वो हमारे कब्जे से भाग गया है। एक्चुअली वो एक सीबीआई ऑफिसर है, इसका मतलब है पुलिस को हमारे पर्ल ऑपरेशन का पता लग चुका है। यस सर, और अल्फांसो और डिकोस्टा यही गैरकानूनी काम कर रहे हैं। फिलिप डिसोजा के कत्ल के जिम्मेदार भी यही लोग हैं सर। यस सर, सुजी और पीटर की मौत शार्क के खा जाने से हुई, और समंदर में शार्क की मौजूदगी का फायदा उठाकर किसी को भी पानी में नहीं जाने दिया जा रहा है सर। और इसी का दुगना फायदा अल्फांसो और उसके फिरंगी साथी मदर मेरी रॉक्स की मोतियों की सुरंगों को खोखला करने में लगे हुए हैं सर। लेकिन सर, इंस्पेक्टर खान और मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं सर। एट वंस, जितनी जल्दी हो सके हथियारों से लैस बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भेजने की कोशिश करें सर। थैंक यू सर। उस तरफ
मेरी रॉक है। मेरे बाबा भी उधर ही गए हैं, अपन भी वहाँ चलते हैं। उधर बहुत सारी खेलने की जगह है, हम ढेर सारे सीप जमा करके खेलेंगे। हाँ। अरे हाँ, तुम्हें मालूम है सीप में से मोती निकलते हैं, पकड़। ये मोती मेरे बाबा लाए थे वहीं से। हम दोनों मिलकर सीप में से ढेर सारे मोती निकालेंगे। तू जाता है सीप में से मोती निकालना? नहीं तो? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बड़ा मजा आएगा। रंग बिरंगे मोती और सीप से खेलेंगे। तू ढेर सारे मोती घर ले जाना, फिर तू भी गरीब नहीं रहेगा। वो कैसे? तुझे मालूम नहीं, मोती बहुत कीमती होता है, बेचने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हाँ, फिर बड़ा मजा आएगा, मेरे पापा देखेंगे बड़े खुश होंगे, फिर हम रोज मोती लेके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा ना? जान से जाएंगे, समझे? किसी ने उशारी की तो मार डालूंगा जड़ी को।
जल्दी नीचे की तरफ लाओ। डिकोस्टा शार्क। Alphonso, hello, Alphonso, don't worry, हम हेलीकॉप्टर को नीचे लाता है, don't panic, okay?